तो उसको मारा ही नहीं। मेरा नाम मार्शल है। आज 12वीं का रिजल्ट आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे घर जाऊं, पड़ोसियों को क्या जवाब दूं। अब तक तो माँ और पापा ने इंटरनेट पर रिजल्ट देख लिया होगा, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। पापा तो बहुत नाराज होंगे, ना जाने क्या क्या बकेंगे सारे मोहल्ले के सामने। क्या पता गुस्से में कहीं हाथ ना उठा दें। कैसे समझाऊं, काश ढंग से पढ़ाई की होती तो यह दिन नहीं दिखना पड़ता। Let sine x is equal to t. Then differentiate. अरे यार चलो फिल्म देखने चलते हैं। सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, जाना तो बनता ही है। अरे नहीं यार, अगले हफ्ते फाइनल परीक्षा शुरू है, फेल हो गए तो साल खराब हो जाएगा भाई, मैं नहीं जा रहा कोई फिल्म विलम। देखो तुम हो बहुत पढ़ने वाले, तुमसे क्या बात करूं, देखता हूं किस दिन आइंस्टाइन बनोगे। ठीक तो कह रहा है ये, अगर फेल हो गए तो माँ बाप घर से निकाल देंगे। तुम दोनों मेरा दिमाग खराब मत करो, परीक्षा तो हर साल आ जाती है, अच्छी फिल्म आने में बरसों लग जाते हैं। मेरी मानो तो पढ़ाई कर लो, सारा साल हमने कुछ नहीं किया है। स्कूल जाने के बजाय हमने अपना समय सिनेमा में या क्रिकेट खेलने में लगा दिया। अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो, नहीं तो फेल होने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम अपने काम से मतलब रखो, आखिरी बार कह रहा हूँ फिल्म देखने चलना है या नहीं। इस बार तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, मैं तो डैनियल के साथ पढ़ाई करूंगा। देख ली तुम्हारी दोस्ती, जो अपना वक्त चर्च में बर्बाद करते हो ना। चर्च तब नहीं पढ़ाई का ख्याल आया, कभी यूथ मीटिंग तो कभी क्वायर प्रैक्टिस, नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे दोस्त। इसमें चर्च को क्यों घसीट रहे हो, यीशु मसीह को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई लिखाई करना। ये लेक्चर मुझे मत दो, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, तुम पढ़ाई करो, मैं चला सिनेमा देखने। चलो कैसे हो मार्शल, क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का, पास वास हो गए हो या फिर से? ऐसी औलाद तो किसी दुश्मन को ना मिले। माँ बाप की कड़ी मेहनत को कैसे बर्बाद करना है कोई इस नामुराद से सीखे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती तो भाई कोई नौकरी कर लो, कोई मजदूरी कर लो। माँ बाप की छाती पर कब तक बोझ बनकर रहोगे। माँ बाप की कड़ी मेहनत को कोई कैसे बर्बाद कर सकता है। कोई इस नामुराद से सीखे। निकम्मा, निथल्ला, काम चोर, निथल्ला, बेकार, बेकार, बेश्रम, बेश्रम, निकम्मा, बेकार, माँ बाप के सर का बोझ, के सर का बोझ। नहीं, 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 नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगा, हर तरफ निराशा ही निराशा है, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई आशा ही किरण दिखाई नहीं देती, सब अंधकार ही अंधकार है। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, क्या फायदा बदनामी के जीवन का। हर रोज के ताने सुनने से अच्छा है इस दुनिया को छोड़ दूं, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है, मुझे मर जाना चाहिए। इन आवाजों ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैं उठकर दौड़ने लगा। मैं दिशाविहीन दौड़ रहा था और मेरे दिमाग में सिर्फ सुसाइड करने का ख्याल आ रहा था। मैं दौड़ता गया और दौड़ता गया, मेरा दौड़ना तब जाकर रुका जब मैं डैनियल से जाकर टकराया। अरे मार्शल तू कहां भाग रहा है, तेरे मम्मी पापा तुझे सवेरे से ढूंढ रहे हैं। ये ट्रैक स्लो और अपना ख्याल रखना। डैनियल और मेरे अन्य दोस्त ट्रैक्स बांट रहे थे, मेरे दोस्त आगे बढ़ गए। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अनायास ही उनके दिए ट्रैक्स पढ़ने लगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया 41:10। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे सफल करेगा। यशाया 55:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यर्मिया 29:11। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं,
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 8:1-2। ट्रैक्स पढ़ने के बाद मेरा मन पूरी तरह बदल गया था। मैंने वहीं बैठे बैठे परमेश्वर पिता से प्रार्थना की और माफी मांगी। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका था। मैं उठा और घर चला गया। मैंने मम्मी पापा से भी माफी मांग ली। आज मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी और अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। चर्च की एक्टिविटीज में भी मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा हूँ।